मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पथ निर्माण विभाग आजकल बिहार में जमीनी विकास से ज़्यादा कागजी विकास ज़्यादा नज़र आता है। सड़क का केवल निविदा विभाग देता है, काम कहीं नज़र नहीं आता है। महोदय, हम सीमांचल के किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज विधानसभा से आते हैं, हर साल कटाव से परेशान रहते हैं। बाहर के बाद सड़कों की स्थिति जर्जर हो जाती है, लेकिन उसमें आज तक रिपेयर का काम नहीं हो पाता है। महोदय, बिहार सरकार के पंचायती राज व्यवस्था में पावर की बात चल रही है, कभी BDO को दिया जाता है तो कभी BPRO को दिया जाता है। आपस में सब उलझ गया है। महोदय, काम कहीं नहीं हो रहा है। महोदय, सरकार की कागजी विकास पर बस दो शब्द बोलना चाहता हूं। महोदय, सीमांचल के लोग हर साल उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन होता क्या है। महोदय, एक शेर कहना चाहता हूं। महोदय, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गमों की शाम, मगर शाम ही तो है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। महोदय, हर वर्ष बस सीमांचल के लोगों की उम्मीद बिखर जाती है। महोदय, अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज सहित सीमांचल के कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, बहादुरगंज से टेराघाट को जोड़ने वाली बस एकमात्र PWD सड़क है। महोदय, अभी अपना बीबसी का रोना रो रही है। महोदय, आए दिन दुर्घटना होते रहती है, लोग परेशान हैं। महोदय, सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने के कारण हर दिन आए दिन घटनाएं होते रहती है। महोदय, इसका टेंडर 2015 में हुआ था महोदय, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। महोदय, इस सड़क का काम, लोग परेशान रहते हैं। महोदय, अगर सीमांचल की बात करें तो हर जगह वही हाल है। 22 विधानसभा का एकमात्र EMBD रोड आज तक अपना बेबसी का रोना रोता है। दुर्घटनाएं आए दिन इसका नियति बन गया है। महोदय, लेकिन इसमें आज तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। महोदय, महोदय, जोकीहाट विधानसभा का भी यही हाल है। जोकीहाट से दलमालपुर पूर्णिया सीमा तक एवं उदा फेटकी सड़क, जिसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है, इसकी चौड़ीकरण की मांग है, लोग काफ़ी दिनों से हो रही है महोदय, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। महोदय, कला संस्कृति विभाग की बात करें तो महोदय, भारत सबसे युवा देश है और बिहार सबसे युवा प्रदेश। महोदय, युवा कौशल के संसाधनों के ना होने के कारण लाखों प्रतिभावान युवा हर साल या तो दूसरे प्रदेश जा रहे हैं या तो बेगारी में घूम रहे हैं। महोदय, हमारा विधानसभा क्षेत्र सीमावर्ती इलाका में आता है। हमारे यहाँ दलितों की अधिकांश आबादी बसती है। हमारे यहाँ बहादुरगंज में एक भी SC ST का कोई हॉस्टल नहीं होने के कारण महोदय, हमारे बच्चे सही से, हमारे जो SC ST के बच्चे हैं, सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। महोदय, मैं चाह रहा हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक SC ST का आवास बनाया जाए, छात्रावास बनाया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के आदिवासियों का विकास हो सके। महोदय, धन्यवाद। महोदय, माननीय